सही उपकरणों और तकनीक न होने के कारण आज भी देश के करोड़ों किसान गरीबी में जीने को मजबूर हैं। किसानों को अगर सही मदद और आइडिया मिले तो वो भी करोड़पति बन सकते हैं। बस जरूरत है उन्हें सही रास्ता दिखाने की। हमारे देश के ज्यादातर किसान मौसमी सब्जियों, फलों और अनाजों की खेती करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी खेती सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकती है। हालांकि इसके लिए सब्र की जरूरत है और यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आमतौर पर किसान अपने बगीचों या खेतों के किनारे फलों के पेड़ लगाते हैं ताकि सीजन आने पर उन्हें बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। इन सब के बीच अगर चंदन का पेड़ लगा लिया जाए तो ये आपको सालों तक मुनाफा देता रहेगा। चंदन की खेती में इतना मुनाफा है जितना किसी भी सरकारी या बाकी प्राइवेट स्कीम में नहीं मिल सकता। कुछ समय पहले गुजरात के भरूच में एक किसान ने 10 लाख रुपए लगाकर चंदन की खेती शुरू की थी। 20 सालों में जब ये पेड़ काफी बड़े हो गए तो उसे भारी मुनाफा हुआ। उस किसान ने रिकॉर्ड 15 करोड़ रुपए की कमाई की। सीधी भाषा में समझाएं तो 1 लाख रुपए लगाने पर 1.5 करोड़ का मुनाफा मिला। 15 साल तक अगर आप किसी भी स्कीम में इतना पैसा लगाएंगे तो आपको कभी भी इतना मुनाफा नहीं हो सकता। आमतौर पर चंदन की लकड़ी 6-7 हजार रुपए प्रति किलो की दर से बिकती है। अगर क्वालिटी अच्छी हो तो 10 हजार रुपए किलो तक दाम मिल आसानी से मिल जाते हैं।